चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधि। शिव मंगल जी आए सर, सभी धम्म साथियों को बी बीडा पीपल के जुड़े साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। हम सब प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे आज ये एहसास हुआ कि जिस तरह से हम एक एक करके हमारा संघ बढ़ रहा है, तो संघ को एक तो हमारे लगभग अभी 92 साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं छोटी एक जो है 2 मिनट लगेगा कहानी के माध्यम से संघ की एकता और मजबूती के विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। यदि सभी की अनुमति होगी तो मैं अपने जी डालिए सर, डालिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। धन्यवाद सर। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश से जितने लोग जुड़े तो शायद जो 70 और 80 के दशक में प्राइमरी के छात्र रहेंगे उन्होंने पढ़ी होगी। हमारे जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड में कहानी में रहा करती थी, एक कौवा था और एक गिलहरी थी, और दोनों कौवा और गिलहरी जो है साथ मिल करके संग रह करके खेती करने का जो है वो विचार करते हैं। खेत तय हो जाता है, दोनों की जो है फसल बोने तय हो जाता है। जैसे बरसात होती है तो गिलहरी कहती है कौवे से, चलो हम लोग पानी बरस गया है, खेत बो आते हैं। तो कौवा कहता है तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी ने देखा कि जो है हमारे यहाँ कहावत कही जाती है 3 दिन साढ़ के 16 दिन कार्तिक के, तो 3 दिन में ही असाढ़ की खेती होती है। गिलहरी चली गई अपना खेत बोआई, फिर इसी तरह से फसल हुई, फिर वही कौवे से कहता, कौवा वही जवाब देता है तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। इस तरह से गिलहरी जो है एकल जो है चलते चलते पूरी फसल उगा करके काट लाती है और हिस्सा बढ़ जाता है, तब भी वो कौवे से कहती है कि चलिए कि अब हम फसल उठा लाते, बट गया है। कौवा फिर वही कहता है तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी अपने हिस्से के अनाज ले आती है और रख लेती है, और कौवा का अनाज हिस्से का वही पड़ा रह जाता है खलिहान में, और फिर घूम करके जब बारिश आती पानी बरसता कौवे का अनाज जो है बह जाता है। तो जिस तरह से हम कहानी से मेरा यह संदेश था कि कौवे जैसी हमारी सोच नहीं होनी, गिलहरी जैसे तत्पर प्रयासरत वी द पीपुल समर संघ के लिए हम सब को एकजुट होकर के एकाग्रता से काम करना है, और कौवे की सोच से जो है संघ नहीं बनेगा। हम सब गिलहरी की भांति लग जाएं, और जिस तरह से धीरे धीरे आप सब इस स्थान पर लाए हैं, मैं सोचता हूं इस कहानी प्रेरणादायक बनेगी। हम सब एक करके अपनी संघ बनाएंगे और संघ मजबूत होगा, और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत अच्छा है, और बहुत साथी लोग जुड़ रहे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं और सबकी मेहनत कर रहे हैं जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। साथियों, ये कहानी छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। हम सब इसी तरह से संघ को और मजबूत करेंगे, और जिस तरह से आज मेरे साथी ने हमने सोच दिया है, अपनी सोच रखे हैं कि चलो गांव की ओर। हम शहरों से तो लोग जुड़ जा रहे हैं, संसाधन भी गांवों के लोग जहां पर जिनके पास संसाधन है जोड़े, और उनके माध्यम से हम गांव गांव तक वी द पीपल का कॉन्सेप्ट लेकर के पहुंचे, और जो हमारी योजना है, जो समर संघ का उद्देश्य है, उसको हम सब बहुत जल्द पूरा करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। इसी साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam.